नो, मेरा नाम पुरंदर रेड्डी, आई एम कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। कल मैं हैदराबाद से भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर से फ्लाइट कैंसिल है बोले तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली से सुबह 5 बजे को फ्लाइट था। क्या हुआ था सुबह दिल्ली फ्लाइट में? फ्लाइट चढ़ने से पहले काम तो भी आ गया, सब लोगों उतार के चले जा रहा। सबको क्या है कि क्या क्या पता नहीं मालूम क्या है कि मेरा मम 84 ईयर्स है। इनको जो हीरो से सब आप नीचे रह लीजिए, उनको स्लाइडर पे आ जाएगा बोल के आ गए। आने के बाद वहाँ कुछ बम है बोल के कौन तो भी बोला बोल के अपन को मालूम है, उतना ही उससे से उतना तक अपन कुछ भी नहीं मालूम। लोग बहुत पुलिस गार्ड लोग आए थे, चेक चाक बहुत किए, सबको जांच पड़ताल हुआ, बहन देवोग सब जांच हुआ बड़ी अति से। क्या और पता क्या, चला आखिरी में? ठीक आखिरी में मालूम नहीं पड़ा कि क्या पता चला हमको, हमको मालूम नहीं पड़ा है। सर, वही नाम बता दीजिए। मेरा नाम भरत है। मैं एक्चुअली सूरत से दिल्ली, दिल्ली से इसी मुंबई सॉरी बनारस की फ्लाइट के लिए आ रहा था। तो अचानक हम लोग टेको ले होने वाला था, लेकिन अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि भाई कुछ टेक्निकल इशू है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इमरजेंसी गेट खोला, और गेट खोलने के बाद में बोले आपको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा सब। और पूरे काफी बच्चों को चोट, मुझे भी चोट आई यहाँ पे पूरा, और बच्चों को भी लगा। और कूद के हम किसी तरह बाहर आए, बाद में मालूम चला कि किसी ने अफवाह फुलाई है क्या है। मैसेज आया था कि उसमें बॉम्ब है, तो सबको टेंशन हो गया। लेकिन कम से कम 5-6 घंटा हमारा वहाँ पे उसी ग्राउंड में हम थे जहाँ पे, और फ्लाइट छोड़ के अब ये दूसरी फ्लाइट में उन्होंने किसी अरेंज किया। को जान मान का नहीं नहीं था? किसी को नुकसान नहीं, खाली बस उतरने कूदने में खाली सबको लगा, मेरी वाइफ को पैर में लगा, बच्चों को थोड़ा लगा, मेरे हाथ में लगा, क्योंकि अचानक उन्होंने बोला कि और लगेज के साथ में कूद जाइए। तो लगेज के साथ में फिर वापस हमारा चेकअप सब चेकिंग हुआ उसके बाद में। लेकिन बस वो था कि वहाँ का जो इंडिगो का जो था वो अच्छा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि कोई अरेंज करना कुछ सब उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बाकी भगवान मेरा मोबाइल उसी में छूट गया था। मेरा नाम संदीप कुमार है। और जब इक्वेटर मैन ने बोला तो इतना अफवाह थोड़ी फ्लाइट के अंदर मच गई कि सब लोग लगे तुम कूदने, झटके मेरे मोबाइल अंदर छूट गया। फिर एक बंदे मेरे मोबाइल लाके बाहर दिया, और एक दो लोग यहाँ पैर हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया। एक लेडीज थी, उनका छोटा सा बच्चा था, बहुत सबको ऑलरेडी परेशानी हुई, लेकिन इंडिगो ने बहुत मदद की और सेफ्टी सबको बाहर निकाल के परेशान किया। लोग 5-6 घंटे प्रॉब्लम में थे वहाँ पे, बस में चलो बैठा था, किसी बाहर कोई आवाज़ ही नहीं, मतलब पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा क्या। लेकिन अगर फ्लाइट के बारे में कुछ पता चला तो इतना भय कि नहीं है। हम लोग सब क्राफ्ट बोर्ड कर चुके थे, और अचानक 5:20 पे पायलट ने अनाउंस किया कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर वो इवैक्यूएट इवैक्यूएट का सिग्नल करके सबको फाइनली फ्लाइट से जंप करना पड़ा। बहुतों को चोटें भी आई, मुझे भी चोट आई, और 3 घंटे तक कोई फ्लाइट से इंडिगो वालों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला समय था, 6 घंटे हम लोगों ने बिताए वहाँ पे, और CISF वालों ने वो अच्छा काम किया, लेकिन इंडिगो की तरफ से बहुत पुअर सर्विस थी। हम तो मुंबई से आ रहे हैं, कनेक्टेड फ्लाइट था दिल्ली से, दिल्ली से 5 बजे। दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में अचानक अफवाह आया, कुछ ना कुछ बम का अंदेश आया, और फटाफट फटाफट वहाँ से एकदम उतर उतरने के बोले प्लान की। हम लोग ये फटाफट गए, उसमें बहुत सारे घायल भी हो गए, कोई चोट आया, काफी लोग को मेरा भी चोट आया, बट ठीक है। अभी बहुत सारा 5 बजे से वेट करके करके 10 अभी तक फ्लाइट भी ऐसे भी डिसीजन पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, और काफी लेट हुआ हम लोग, काफी तकलीफ होना पड़ा वहाँ पे, काफी 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 दिक्कत होना पड़ा वहाँ, बहुत ज्यादा बहुत नुकसान भी हुआ। कभी किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी का क्रोच आया, किसी का मतलब लग गया, किसी का हाथ रेड हुआ है, बट ठीक है। अभी तो मान लीजिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली वाली फ्लाइट में हम लोग को पहले बोला गया कि अभी कोई टेक्निकल इशू है तो आप लोग थोड़ा सा रुकिए। उसके बाद पता चला कि 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि हम इवैक्यूएट इवैक्यूएट। सब लोग बहुत हाइपर हो गए और स्लाइड करके नीचे उतरने लगे। कुछ लोग बुढ़े थे जो गिर भी गए, कई लोगों को चोट भी आई, और 4-5 लोग व्हील चेयर पे आए हैं। और अभी फिर उसके बाद 3-4 घंटे हम लोग करीब रहे, सबके बैग वगैरह चेक हुए, और उसके बाद हमें नेक्स्ट फ्लाइट दी गई जो 11 बजे वहाँ से फ्लाई करी और अब आ रही है। क्या बताया गया वहाँ का? बता रहे थे कि बॉम्ब का थ्रेट था। हम तो दुबई से आ रहे थे। मेरा नाम है सोमालिया, हम लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं इंडिया में, और दुबई से आ रहे थे अभी। और हमको आना था वाराणसी, तो सुबह हमारा फ्लाइट में हम लोग बैठ गए दिल्ली से वाराणसी के, तो उसमें हमारा क्या हुआ कि फ्लाइट छूटने ही वाला था। इस ऐसा मोमेंट में पायलट बोलता है कि
कुछ बम वगैरह का सूचना है तो तुरंत विमान खाली कीजिए। तो हम लोग हड़बड़ाहट में तब उतरने गए, वो साइड से जो वो वाला रैफ्ट खोलता है उसमें से, तो इतने में ये मेरी पत्नी चोटिल हो गई उतरने टाइम। और उसके बाद से अभी वहाँ पे बहुत टाइम वेट करना पड़ा, वहाँ पे सामान वगैरह का पूरा स्निफर डॉग वगैरह से छानबीन हुआ। आगे जाके अभी उसके बाद हमारा एयरपोर्ट में वापस लिया गया, फिर अभी आ रहे फ्लाइट में, देखते हैं अभी वाराणसी जाना है।